सो यस, हम लोग एक टॉपिक सीखेंगे, हम लोग एक टॉपिक सीखेंगे, जैसे हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक सीख रहे हैं, हम लोग एक टॉपिक अभी सीखेंगे, व्हेन गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स। हम लोगों ने लास्ट में जो टॉपिक सीखा था वो टॉपिक गुडविल के ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग था, मगर वो गुडविल हमारा जो था वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल था, वो हमारे बुक्स में अपियर नहीं करता है। जब कोई गुडविल अगर आपके बुक्स में अपियर करता है, जब गुडविल आपके बुक्स में अपियर करता है, इट मीन्स इट्स अ परचेस्ड गुडविल। कैसा गुडविल है ये? ये आपका परचेस्ड गुडविल हुआ। मैंने आपको बताया था दो काइंड के गुडविल होते हैं, एक होता है हमारा सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक होता है हमारा परचेज गुडविल। परचेज गुडविल हमारे बुक्स में अपियर करता है, मतलब आप उसको बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाते हैं। कहाँ पर दिखाते हैं? बैलेंस शीट में एसेट साइड में आप उसको दिखाते हैं। मगर अगर आपका सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है तो फिर आप उसको कहीं पर भी बुक्स में नहीं दिखाते। हम लोगों ने लास्ट जो ट्रीटमेंट सीखा था वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल्स का सीखा था। जब गुडविल हमारे बुक्स में अपियर करेगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में अपियर करेगा, इट मीन्स अगर वो परचेज गुडविल होगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे? जब भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा या एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगा, डेथ होगा, एक जैसा ट्रीटमेंट करेंगे। क्या ट्रीटमेंट करेंगे? ध्यान सुनना, आप परचेज गुडविल जो भी आपके बुक्स में अपियर कर रहा होगा, इट विल बी रिटर्न ऑफ, इट विल बी रिटर्न ऑफ इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हम लोग क्या करेंगे उसको? हम लोग उसको राइट ऑफ कर देंगे इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्लीज़ ध्यान समझिएगा, हम लोग क्या करेंगे उसको राइट ऑफ कर देंगे। किस रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे? इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर व्हाट डज दैट मीन? तो हम उसको राइट ऑफ करेंगे, मतलब गुडविल क्योंकि बैलेंस शीट के एसेट साइड में अपेयर कर रहा है इसलिए उसका डेबिट बैलेंस होगा, हम उस गुडविल को क्रेडिट कर देंगे। क्या कर देंगे गुडविल को? गुडविल को हम लोग यहाँ पर कर देंगे क्रेडिट। गुडविल को हमने कर दिया क्रेडिट। और डेबिट किसको किया? डेबिट किया हमने ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। हमने डेबिट किया किसको? हमने डेबिट किया ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। किस रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। हमने गुडविल को डेबिट किया है, किस रेशियो में डेबिट किया है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेबिट किया है, क्रेडिट कर दिया है गुडविल अकाउंट को। तो व्हेन गुडविल अपियर्स इन द बुक्स, बैलेंस शीट के असर साइड में गुडविल अपियर करता है, परचेज गुडविल, इट विल बी रिटर्न ऑफ इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसकी एंट्री क्या बनेगी? आपकी इसकी एंट्री बनेगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप इसको राइट ऑफ कर देंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये बहुत ही सिंपल सा फंडा है, आई होप दिस मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सिंपल, बहुत ही सिंपल।